हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं डेली डूड्स। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं प्लांटर्स के बारे में। डिजाइनर प्लांटर्स जो कि आप अपने घर में होम डेकोर में आप लगा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा लुक देता है, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कितने तरह के प्लांटर्स मेरे पास हैं जो कि मैं अक्सर कलेक्ट करता रहता हूँ और अच्छा खासा कलेक्शन मैंने बना रखा है, तो ये सारे कलेक्शन में आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और कहाँ से बाय किया था और कौन से प्लांटर्स आपको बाय नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डैली डूड्स ये मेरा हैंडल है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ सिरामिक पॉट्स। और सिरामिक पॉट्स की जो सबसे अच्छी बात है कि इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं आपको, हर एक साइज़ आपको सिरामिक पॉट्स के मिल जाते हैं। मेरे पास कलेक्शन में अभी फ़िलहाल 3 हैं और कुछ ऐसे हैं जिस पर मैंने अभी प्लांट्स लगाए हुए हैं। और सिरामिक पॉट्स की जो सबसे अच्छी बात होती है कि इनकी जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप कोई सा भी पॉट लेंगे उसका ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा होता है, इन कंपेयर अगर आप बात करें जो हम मिट्टी के जो हम लेते हैं पॉट्स उससे काफ़ी अच्छा है ये। तो आपको इसमें बहुत सारे अलग अलग शेप एंड साइज़ के मिल जाते हैं। और अगर इसकी अगर डिमेरिट की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। आप इस तरह के जो छोटे पॉट्स होते हैं वो लगभग स्टार्ट होते हैं 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़, डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है। जैसा कि ये जो आप क्वालिटी देख रहे हैं ये बहुत ही हल्की क्वालिटी है और ये मैंने बाय किया था खुद खुर्जा से, तो ये मुझे लगभग 40 से 50 रुपए में मिल गया था। बट सेम अगर मैं सेम ऐसे छोटा पॉट अगर देखूं और जिसमें क्वालिटी जिसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इस तरह के लगभग 100 या फिर 120 से स्टार्ट होते हैं, तो कॉस्टली तो है, तो ये एक थोड़ा डिमेरिट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रेकेबल बहुत जल्दी है, अगर ये गिरता है तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाता है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो सिरामिक में आपको हर तरह के इंडोर या आउटडोर के लिए, आपके होम डेकोर के लिए आपको बहुत सारे सिलेक्शन कलेक्शन में आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके घर के लिए आपको ठीक लगता है आप वो बाय कर सकते हैं। साइजेस हर एक साइज़ में आपको अवेलेबल है, तो आप जो भी चाहें वो चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़, ये जो आप देख रहे हैं ये पॉट, ये बहुत ही डिज़ाइनर पॉट है। और पहले इसका एक लुक देखिए, ये एक हाथ के शेप में है और इस पर एक पॉट है, ये देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए इस तरह से ये दिखता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है। ये बना हुआ है सीमेंट का, तो सीमेंट के पॉट्स के कलेक्शन भी मैंने रखे हुए हैं। इसका जो डिटेल वीडियो है वो बहुत जल्दी आएगा, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है तो आपको इसका डिटेल वीडियो मिलेगा, जो आके आप घर में भी बना सकते हैं। और अगर आप बाय करना चाहेंगे इस तरह के डिज़ाइनर पॉट्स तो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो बहुत जल्दी इसका डिटेल वीडियो आने वाला है। ये जो है ये पूरा सीमेंट का बना हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये कपड़ा है, और बिल्कुल आप सही समझ रहे, ये जो पुराने कपड़े होते हैं सीमेंट से इसे डुबो के बनाया जाता है। तो इसका डिटेल वीडियो आएगा कि क्या कुछ इसमें मिक्स किया जाता है कि ये इतना सुंदर दिखे, तो इसी के बारे में होगा वीडियो, वो ज़रूर देखिएगा। ये सेल है और इस तरह के सेल आपको मिल जाते हैं। अगर आप पेंजिंग बॉन्जाई या किसी तरह का बॉन्जाई या आर्ट डेकोरेट करना चाहते हैं और कुछ आप नया कुछ ट्राई करना चाहते हैं प्लांटर्स की शेप में, तो इस तरह के आप पॉट्स भी ट्राई कर सकते हैं। आप प्लांट्स इनमें लगाते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आप लगा सकते हैं, फाइकस की जो छोटी वैरायटी आती है वो लगा सकते हैं। इसमें मैंने कई सारे प्लांट्स लगाए थे, बहुत ही अच्छा चलता है। आप यहाँ से प्लांट लगा दीजिए, प्लांट्स यहाँ से निकलते हैं और बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो ट्रे गार्डनिंग के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो ये भी मैंने एक जगह बाय किया था। तो इस तरह के मिल जाते हैं सेल, आप शंख जिसे आप बोलते हैं वो है ये, और तो इसी उसी का पार्ट है। अगर कहीं से आपको ब्रेकेबल शंख भी मिलता है तो वो आप ले लीजिए, उसमें भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने किया हुआ था, तो ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एक खास प्लांटर है क्योंकि ये खुद का डिज़ाइन किया हुआ मेरा प्लांटर है। और ये देखिए अंदर जो आप देख रहे हैं ये रबड़ का है, और आप कोई भी प्लास्टिक के जो बॉटल्स होते हैं उसके नीचे पिघला के आप इस तरह से उसे मोल्ड करके आप बना सकते हैं। और इस पर मैंने
ये जो रस्सी होती है पतली वाली, वो मैंने इस पर आपको पूरा चिपका दिया है और कुछ इस शेप में बन के तैयार हुआ। तीन चार है मेरे पास, उसमें प्लांट्स लगाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपसे एक दिन शेयर करूँगा मैं कि आखिर इस तरह के घर में प्लांटर्स आप कैसे बना सकते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो गाइस अगर मैं बात करूँ, टेराकोटा के पॉट्स भी आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े से हल्के होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर होते हैं और बहुत ही अच्छे शेप में आपको मिल जाते हैं। आजकल हर एक तरह के आपको टेराकोटा के पॉट्स मिल जाते हैं। आपने मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो टेराकोटा पे अब मैंने बहुत सारे कलेक्शन दिखाए थे, ये भी मैंने उन्हीं में से बाय किया था, ब्लूम बगीचा से मैंने ये बाय किया था। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करके भी मंगवा सकते हैं। इसमें भी ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छा है और इसमें भी प्लांट्स मैं लगाने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अभी तो अभी बिल्कुल न्यू है ये, और ये देखिए ये भी ये मैं अपने बालकनी में हैंग करने वाला हूँ और बहुत ही सुंदर लगते हैं और काफ़ी हल्का है, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाते हैं। ये कुल अराउंड 700 या 700 के आसपास का है, जी हाँ 770 का है, और ये कुल अराउंड 900 के आसपास का है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं इस तरह के डिज़ाइनर पॉट्स के कलेक्शंस रखूं। कुछ और है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। पॉट्स होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, बट हाँ ये ब्रेकेबल तो होते हैं ज़रूर, बट आप इसे अगर संभाल के रखेंगे तो बहुत लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। इसके जो कलर्स होते हैं वो कभी भी नहीं जाते हैं, और ये आपको हर एक शेप में आपको मिल जाएगा। ये जो है ये बिल्कुल आप डोलची के शेप में है, और इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आप लगा सकते हैं जो कि बहुत प्यारे लगते हैं। ये एक इवेंट में मैंने बाय किया था, और अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगा, आप इनको कॉल करके भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी ये दे रहे हैं। इस पर भी डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। अब कुछ और प्लांटर्स हैं जो कि आप देखेंगे अभी, तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये बैम्बू का है और ये बांस का बना हुआ पॉट है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इस तरह के बैम्बू वाले प्लांटर्स आप ख़रीदें, क्योंकि ये बिल्कुल बकवास है। बकवास मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी इसमें से, मतलब आप बोल सकते हो प्लांट्स टिकते भी नहीं हैं, और नेक्स्ट थिंग इसमें ये है कि जो ये है इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगता है और इसमें से रस्ट निकलने लगता है। मेरे तीन चार थे वो ख़राब हो गए हैं, बस ये एक बचा हुआ है जो कि बिल्कुल ही ठीक नहीं है बाय करने के लिए। तो आप बिल्कुल इस तरह के जो प्लांटर्स है बैम्बू वाले वो बाय मत कीजिएगा। एक प्लांटर्स जो मैंने खुद का बनाया हुआ था बैम्बू का, वो काफ़ी ज़्यादा सही है, वो अभी भी चल रहा है, उसमें कोई रस नहीं लगा, बट जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था बैम्बू का वो बिल्कुल भी नहीं चल पाया, तो पूरा पैसा वेस्ट है। तो ये आप बिल्कुल मत बाय कीजिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यहाँ तक देखा है तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।